हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बस ऐसा ही बढ़िया रहना। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ले जाऊँ एक अच्छी नई जगह, जो वो भी अनएक्सप्लोर्ड ही है, जम्मू में है। वो पड़ती है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। जगह का नाम है जंगल गली, जो जम्मू से तकरीबन कोई 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में जैसे जैसे व्यूज़ आते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। फिलहाल मैक्सिमम वो रोड मैंने पहले भी एक्सप्लोर करा हुआ, जैसे कि देवी पिंडी गए थे वो सेम ही रूट रहता है। आगे जाके थोड़ा सा रूट कटता है, वो आपको मैं दिखा दूंगा कहाँ से कटता है वो। तो तब तक आप मेरी वीडियो पे बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर पुराने हैं, सिर्फ वीडियोस देखते हैं, तो आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो निकलते हैं फिलहाल अपनी मंजिल की ओर, जिसका नाम है जंगल गली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी अपनी वाइफ और बेटी को लेने जाना है, तो दोनों को पिक कर लिया। तो गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा, डीजल भी डलवा लिया। तो अभी निकल रहे हैं हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर, लेके भोलेनाथ का नाम। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, जय माता दी। ठीक है जी, निकलते हैं यहाँ से अभी। तो रास्ते में अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश वाला। और जिस जगह हम जा रहे हैं जंगल गली, अगर बाई चांस वहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ के जो व्यूज़ हैं देखने लायक होंगे। तो जैसे जैसे होता है आपको दिखाएंगे, मिलते हैं। ये जो आप सामने एरिया देख रहे हो, ये हमारा न्यूली कंस्ट्रक्टेड जम्बू ज़ू, जम्मू में नया ज़ू खुला हुआ है। काफ़ी बड़ा एरिया है। अभी थोड़ा मौसम काफ़ी गर्मी है तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। आने वाले टाइम पे जब थोड़ा मौसम अच्छा होता है या ठंडा वगैरह ठंड वगैरह होती है, उस टाइम पर आपको यहाँ की सैर करवाएंगे। जो जम्मू कश्मीर के बाहर से देख रहे हैं वीडियो, ये बिल्कुल नेशनल हाईवे पे आपको साथ में दिख जाएगा, जो अपना जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, उसके बीच में आ जाएगा। रास्ते में मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि जिसने भी मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा देवी पिंडी ट्रैक वाला, उसमें ये रोड आता है एक, यहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न हो गया था। तो जितना भी रोड है पीछे से सारा यहाँ तक सेम है। अब आगे का जो रोड है वो आपको मैं बीच बीच में दिखा दूँगा कहाँ से कट लेना है जंगल गली के लिए। सामने ये जो आप बादल देख रहे हो, बस यहीं पे माँ वैष्णो जी का पहाड़ है। आज पूरे बादलों से ये गिरा हुआ है तो साफ क्लियर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। तो इन्हीं पहाड़ियों के आसपास वो जंगल गली भी है। लगता है किस्मत अच्छी रहने वाली है। जब भी वहाँ पे उस एरिया में बारिश होती है तो पहाड़ों का रंग डिफरेंट ही उभर कर नज़र आता है सामने, तो काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ भी दिखते हैं। यहाँ से कुछ थोड़ा पहाड़ मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, इतना भी नहीं बट थोड़ा बहुत। ये आप चेक कर सकते हो, ऊपर बादल, पूरा ऊपर बादलों से गिरा हुआ पहाड़ है श्री माता वैष्णो देवी जी का। जैसे अभी सूरज हमारी साइड बैक साइड पर आ गया हुआ है, तो जो आगे का व्यू है काफ़ी अच्छा दिखाई देगा अब बिल्कुल क्लियर। क्या आगे एक रास्ता कट होगा तो सीधा मैं वहाँ पे आपको मिलता हूँ। ये हम पहुँच चुके हैं अभी टिकरी, ये उधमपुर से थोड़ा पहले आता है। तो ये लेफ्ट टर्न है, यहाँ से आप कटरा भी निकल सकते हो, देवी पिंडी के लिए भी निकल सकते हो। ये आखिरी रास्ता है, बस यहीं से आपने लेफ्ट टर्न लेना है और सीधा सीधा आगे रोड है। तो नहीं पता चले आप मैप भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ जो G&K के स्टेट से बाहर से लोग आते हैं कभी कभार उनकी सिम नहीं चलती है, तो वो आगे लोकल से आगे पीछे किसी से पूछ सकते हो। ये जो हमने कनेक्टिंग रोड ले लिया है, इसके सामने का जो वेदर है अभी, जो व्यू है, ये देखो अभी चेक करो, टोटली पूरे बादल हो रखे हैं। हम जम्मू वालों के लिए ये चीज़ अच्छी है कि लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर हमें पहाड़ मिल जाते हैं और ऐसी रेंजेस मिल जाती हैं जहाँ पे वेदर हमेशा ठंडा ही रहता है। अच्छा भी है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। बट कुछ टाइम पहले जितनी भी प्लेसेस थी ये अनएक्सप्लोर्ड थी और हिडन थी, हम लोकल्स को भी इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। फिर कुछ लोगों ने इस जगह के बारे में पता किया, इनको एक्सप्लोर किया, फिर इनिशिएटिव लिया कि लोगों के बीच में ये जगह लाएँ। तो ये एक यहाँ पर किसी ने कैंपिंग साइट खोली है, क्या नाम है ये मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा किस नाम से खुला हुआ है, क्या इनके प्राइसेस हैं और उनमें क्या क्या आपको मिलता है, ये सब वहाँ पहुँच के आपको बता दूंगा मैं। ने मुझे गाड़ी रोकने पे मजबूर कर दिया। चेक करो यहाँ से भाई साहब, यहाँ पे अभी इस साइड सनसेट हो रहा है, ये सामने माँ वैष्णो जी का पहाड़,
और ये सामने जो बीच में आप देख रहे हो ये वाला पहाड़, ये आपको मैं जो ट्रैकिंग पे ले गया था देवपिंडी, ये वो जगह जाती है उस रास्ते पे। तो जिसने नहीं देखा अभी तक वो ब्लॉग, चेकआउट कर सकते हो, देवीपिंडी ट्रैक के नाम से होगा, टाइटल बना होगा उस पर, तो क्लिक करके चेक करो। और वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। और फिर एक बात, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मैं अपने साथ और अच्छी अच्छी जगह ले जाऊँगा घुमाने के लिए। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो ऊपर वाली साइड, बस अब यहाँ से हाइट गेन करनी है हमने, पता नहीं कितनी एलिवेशन है, तो वही उसी टॉप पहाड़ पे जाना है। यहाँ से वो रह गया तकरीबन कोई 8 किलोमीटर रह गया यहाँ से, तो समझ सकते हो फिर इस चढ़ाई पे 8 किलोमीटर कितना टाइम लगना, कम से कम आधा घंटा लगने वाला है। और ये रहा यहाँ का व्यू, ये क्या करूँ मैं, अब एंट्री हो ही गई थी तो ये भाई साहब कह रहे थे रुक जाओ इतनी देर, मैं वीडियो बनाते बनाते अंदर एंटर कर गया था, तो शायद मेरी गलती है, डर रही है ये, तो मैं साइड पे लगा देता हूँ फिर ये निकलता है। लो जी पहुँच गया हम अपनी डेस्टिनेशन पे, कुछ मेरे पीछे का ऐसा व्यू है यहाँ पे, यहाँ पे बादल आपको साथ में मिल जाएंगे चलते हुए। तो इनकी जो कैंपिंग साइट है थोड़ा नीचे है, अभी मैं उनके साथ बात करता हूँ जाके क्या हिसाब किताब है, फिर आपको भी बताते हैं। ये रोड है नीचे इनका पहाड़ के नीचे चलने का, बाकी पीछे में रास्ते में ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाया क्योंकि रोड काफ़ी पतला था, अगर बाइक लाई होती तो मोटो व्लॉगिंग आसानी से हो जाती है, तो उसमें क्या रहता है कि बस बोलना ही बोलना है, इसमें क्या रहता है कि हाथ में कैमरा पकड़ो या फिर ड्राइविंग कर लो, दोनों में से एक चीज़ रहती है, तो मैंने बेटर समझा कि गाड़ी चला लेते हैं क्योंकि फैमिली साथ है, बच्ची साथ थी, छोटी वाइफ साथ में थी, अकेले हो तो बात अलग है। ये रहा कुछ ऐसा, देखने में तो काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी बात है यहाँ की जो यहाँ का व्यू है। लो जी चल पड़े हम अपने पूरे टब्बर के साथ, ये डोगरी वर्ड है जिसको नहीं पता, टब्बर के बारे में मतलब पूरे परिवार के साथ। ये देखो एक चीज़ थोड़ी ड्रॉबैक लगी मुझे, सामान आपको खुद ही लेके जाना पड़ेगा जो जितनी भी डाउन हाइट है वहाँ पे, और कल जब वापस आना पड़ेगा सेम वैसे ही अपने साथ ही लेके वापस आना पड़ेगा, ये थोड़ा ड्रॉबैक लगा, बाकी जैसे जैसा मुझे आगे दिखता जाएगा जो जो अच्छी चीज़ें वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक आप ये सामने का व्यू चेक करो, यहाँ से सनसेट हो रहा है इन पहाड़ों के पीछे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नीचे चलते हैं रूम में अपना सामान रखेंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं कहीं जाना कि नहीं जाना, यहीं पे बैठते हैं थोड़ी देर। ये हम कैंपिंग साइड में, कैंपिंग साइड का नाम है क्लाउड्स कैंप एंड कैफ़े कुछ ऐसा करके, दोबारा पढ़ूंगा याद भूल गया मुझे, क्योंकि व्लॉगिंग में मेरा इतना हाथ तेज नहीं है, फिर भी कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन मोटो व्लॉगिंग करना थोड़ा आसान है। ये कुछ थोड़ा नीचे आके यहाँ पे बिल्कुल आपको पूरी प्योर देसी वाइब्स आने वाली हैं, यहाँ पे गांव वाली पूरी वैसी फीलिंग। ये कुछ ऐसा एरिया है, ये रहा ये सामने गाँव है, ये इनके यहाँ पे टेंट्स अलग अलग जगह पे आ जाएंगे, ये सीटिंग एरिया, मतलब हर जगह आपको सीटिंग एरिया मिल जाएगा। और ये कुछ ऐसा जैसे आप गांव में देखते हो या खेतों में देखते हो, हाइट पे ऐसे करके बैठने की जगह बनाई जाती है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ बनी हुई है यहाँ पे। वो दूर नीचे ये जो जगह है, यहाँ पे है इनका स्विमिंग पूल, पर्सनल स्विमिंग पूल। और ये नहीं कि इसमें आपको टैंक वाटर भरा जाएगा कुछ, ये नेचुरल वाटर है, नेचर से आता हुआ, जैसे ऊपर से नाला पानी आ रहा है नीचे, उसी का पानी सीधा स्विमिंग पूल में जाता है, और पूरा ठंडा ग्लेशियर वाटर है। और ये सामने साथ साथ में बादल चलते हुए, अभी थोड़ी देर बाद ये भी नीचे आ जाएंगे, पहले नीचे थे अभी ऊपर चले गए हैं, फिर से नीचे आएंगे, बट देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है, अगर बारिश होगी तो बड़ा ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल इसी व्यू को एंजॉय करते हैं। तो अभी शाम के स्नैक्स में हमें चाय और मैगी मिल रही है, डिनर में ये पहले पूछ लेते हैं कि आपने वेज लेना है या नॉन वेज लेना है,
इनके प्राइजेस क्या रहते हैं ये आपको कल मॉर्निंग में बताऊंगा पूरा अच्छी तरह इनसे पूछ के। शाम के स्नैक्स में ये रही मैगी और आपको चाय मिल जाएगी साथ में, और ये खूबसूरत व्यू। करते हैं अपनी मैगी को खाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर रूम में जाते हैं अपने। अपने रूम के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन रूम तक आते आते बस हो चुकी है। थोड़ा ट्रैक है वहाँ से नीचे कोई 300-400 मीटर का रूम तक आने के लिए, तो रूम का भी अभी आपको मैं टूर दे देता हूँ। कुछ ऐसा है, बाहर से लाइटिंग वगैरह अच्छी हो रखी है, तो दो रूम्स अवेलेबल होते हैं इनके पास, एक ये रहा राइट पे और एक ये लेफ्ट पे। ऐसा आपको डबल बेड मिल जाएगा। अगर फ़ैन की रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप इनसे फ़ैन भी मांग सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ा शाम का मौसम हो रखा हुआ है तो मच्छर थोड़ा ज़्यादा है, तो कहते हैं कि रात के समय थोड़ा मच्छर कम हो जाता है, फिर भी हमने एज ए प्रिकॉशन फ़ैन ले लिया है। काफ़ी अभी चल के आए हैं तो पसीना आ रहा है काफ़ी। बाकी अब जब खाना खाने जाते हैं, आज डिनर में क्या ऑर्डर किया है वो भी आपको दिखा देंगे, डिनर में क्या बना है। फ़िलहाल अभी हो गया स्नैक्स टाइम, तो डिनर से पहले थोड़े से स्नैक्स आए हैं। नॉन वेज में भी चिकन पकौड़ा और साथ में ये आपको मिल जाएंगे आलू चिप्स पकौड़े की शेप में। ये है कि इनकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, तो इनसे मैंने रेट के पूछे क्या पर डे क्या रहता है। पर डे के हिसाब से इनका पर पर्सन रहता है 999 रुपीज़, जिसमें आपको डिनर, ब्रेकफास्ट, डिनर में आपको वेज या नॉन वेज जो भी प्रेफरेंस होगी आपको बता देना है, उससे पहले आपको ये स्नैक्स दे देंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया मैगी और चाय, वो भी आपको मिल जाएगी। ब्रेकफास्ट में आपको परांठे और साथ में दही मिल जाएगा। ये इनका पैकेज रहता है 999 पर पर्सन, मतलब 1000 रुपये पर पर्सन, तो इतने में तो ठीक भी है, साथ में रहना भी इंक्लूडिंग है, तो अच्छा लगा मुझे वैसे। फिलहाल रात को कुछ ऐसा दिखने वाला आपको मेरे आगे पीछे आप देख रहे हो, लाइटिंग वगैरह हुई है वही जहाँ पे हमने अभी शाम को मैगी वगैरह चाय पी, तो सेम उसी जगह पे आ गया हूँ। अभी मैं अकेला हूँ, अपनी वाइफ और बेटी को रूम में ही रखा हुआ है, क्योंकि बीच में जो पैदल रास्ता है थोड़ा रिस्की है, तो अकेला आना ही मैंने मुनासिब समझा। तो अभी डिनर में वही चिकन रोटी जैसे आती है आपको दिखाते हैं, बिल्कुल लाइव किचन है आपके सामने, अगर आप अपने सामने कुछ बनवाना चाहते हैं वो भी बन जाएगा। ये रहा आज का डिनर आपके सामने, तो खाते हैं इसको अभी, फिनिश करके चलते हैं रूम की तरफ। हेलो दोस्तों, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने कैसा वेदर है अभी, तो यहाँ पे मेरा स्टे था रात को, तो बाहर का कुछ ऐसा व्यू आज सुबह का, चारों तरफ बादली बादल और धुंधी छाई हुई है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे बारिश होती है तो उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट नज़ारा देखने को मिलेगा, तो अभी मुझे वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना है जहाँ पे इनकी ऊपर कैंपिंग साइट है। ये तो नीचे इनके रूम से दो कैंपिंग साइट है, भी ऊपर ही है, तो वहाँ पे अभी देखने बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद निकलेंगे। तो ऐसा कुछ मौसम रहा यहाँ पे, तो जब कभी भी आप यहाँ पे आते हो तो इस मौसम का लुत्फ ले सकते हो आराम से, क्योंकि पत्नीटॉप यहाँ से नियर अबाउट जम्मू से 110 किलोमीटर पड़ जाता है, तो ये आपको 60-70 किलोमीटर की रेंज में पड़ मिल जाएगा पास में बिल्कुल। जो हमारे जम्मू से हैं लोकल वो तो मैक्सिमम यहाँ पे आते रहते हैं, बट मेरी वीडियो के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर बाहर से आउट ऑफ स्टेट भी कोई आता है वो भी यहाँ ज़रूर आए। बस थोड़ी और अब बारिश थोड़ी हल्की होती है अगर, तो ब्रेकफास्ट करने मुझे वही ऊपर ही जाना पड़ेगा अभी, वहाँ पे अब कुछ सब कुछ दिखना बंद हो गया है। यह है कि अकेला हो इंसान तो वो कर देता है, एडजस्ट हो जाता है, बट बच्चा साथ हो, बीवी साथ हो, फिर नहीं हो पाता। फिर कभी मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा तो अकेला ही आऊँगा, फिर अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पर काफ़ी जगह है ट्रैकिंग के लिए, तो अभी ट्रैकिंग भी नहीं हो पाएगी क्योंकि पूरा फॉग हो रखा हुआ सारा, पीछे बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
जाते हो ना तो छोटे बच्चे के साथ कभी मत आना, तो बच्चे के साथ ही रह जाओगे, ना कोई एंजॉय कर पाओगे ना कुछ। अभी कुछ काम आन पड़ा है, तो वैसे हमारा एक दिन स्टे और था यहाँ पे, तो कैंसिल करवा के अभी हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं। तो रास्ते में अब कुछ ज़्यादा दिखाने वाला तो है नहीं, कल आते हुए सारा कुछ दिखा दिया। तो थैंक यू ढेर सारा प्यार देने के लिए, जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे, ताकि और सब्सक्राइबर साथ में जुड़ें, वो भी जम्मू जो अनएक्सप्लोर्ड है साथ साथ में वो भी देख पाएँ। तो लेता हूँ मैं इजाज़त आपसे, मिलते हैं फिर आगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।